जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य चतुर्थ दीक्षांत समारोहे समुपस्थितानां समेषां विदुषां महज्जनानां महाभागानां स्नातकानां च स्वागतं जगद्व्याहरामि। रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय माघ कृष्ण द्वितीया चतुर्थ विक्रम संवत 2078 समुपस्थित तदनुसार 19 जनवरी 2022 को जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में सभागार में पधारे हुए महजन एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी विद्वानों एवं महजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 6 फरवरी 2001 में हुई थी और जिस विश्वविद्यालय ने विगत 2 दशकों में लाखों छात्रों को संस्कृत भाषा एवं संस्कृत साहित्य संस्कृत शास्त्रों में निहित विज्ञान एवं अनुसंधान परक अध्ययन को लेकर के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उस विश्वविद्यालय के आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह में 16,851 विद्यार्थियों को स्नातकों को महामहिम कुलाधिपति महोदय उपाधियां प्रदान करेंगे। यह सौभाग्य का अवसर है कि शैक्षणिक सत्र 2019 एवं 2020 के स्नातकों के उपाधि वितरण हेतु समायोजित इस दीक्षांत समारोह में महामहिम कुलाधिपति महोदय के साथ ही राजस्थान सरकार में संस्कृत शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला जी भी समुपस्थित हैं। यह निश्चित रूप से न केवल राजस्थान प्रदेश में वरन संपूर्ण देश में संस्कृत भाषा साहित्य एवं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से जुड़े उन सभी विद्वानों शोधार्थियों
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है कि आज इतने विपुल रूप से यह समारोह है, इतने व्यापक स्वरूप से राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे पद्मश्री से विभूषित डॉक्टर मंडन मिश्र जी, जो अनेक संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे और उस परंपरा में अद्यावधि आज भी यह विश्वविद्यालय शास्त्रों के सतत प्रवर्तन, अध्ययन एवं उस पर शोध अनुसंधान के लिए कार्य कर रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति महोदय के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु प्रोसेशन यहां दीक्षांत समारोह के पूर्व समायोजित हो रहा है। इस प्रोसेशन में माननीय कुलपति महोदया के साथ कार्य परिषद के माननीय सदस्य, विद्या परिषद के माननीय सदस्य एवं कुल सचिव महोदया का आगमन सभागार में होने जा रहा है। सभागार में इस प्रोसेशन में सबसे आगे विश्वविद्यालय की माननीय कुल सचिव श्रीमती रंजिता गौतम जी, उनके पश्चात कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के विद्वान सदस्य पधार रहे हैं और इसी क्रम में मैं विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कृपया यथास्थान विराजमान होने की कृपा करेंगे। कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे कृपया अग्रपंक्ति में विराजमान होने की कृपा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर दीर्घराम रामस्नेही जी, डॉक्टर कैलाश शर्मा जी, प्रोफेसर राम किशोर शास्त्री जी, डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा जी सहित अन्य सदस्यगण कृपया विराजमान हैं एवं सम्माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर अनुला मौर्य जी से मेरा आग्रह है कि वे कुल सचिव महोदया के साथ मंच पर पधार कर वहाँ विराजमान होने की कृपा करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक महामहिम कुलाधिपति महोदय एवं माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय हमारे साथ वर्चुअली माध्यम से इस समारोह से जुड़ेंगे और इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह का विधिवत आरंभ होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के 3 दीक्षांत समारोह समायोजित किए जा चुके हैं और उन 3 दीक्षांत समारोह में सहस्रों विद्यार्थियों को, न केवल सहस्रों बल्कि लाखों विद्यार्थियों को संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके अनेक विद्यार्थी देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य सेवाओं में भारत सरकार एवं राज्य शासन की सेवा कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि पूरे देश में संस्थापित संस्कृत विश्वविद्यालयों में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय इसलिए अन्य से इतर है, जिसमें मुख्य है इसका बृहत परिसर एवं व्यापक अनुसंधान एवं शोध की दृष्टि, साथ ही अध्ययन एवं अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एवं विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में निहित विज्ञान के प्रति शोध की अनुपम दृष्टि। आज विश्वविद्यालय के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय थोड़ी देर में हम लोगों से जुड़ रहे हैं तथा
उनका आशीर्वाद विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा, जिससे विश्वविद्यालय नव कीर्तिमान अवश्य ही संस्थापित करेगा। माननीय कार्य परिषद के सदस्य एवं माननीय विद्या परिषद के सदस्य, जो कि सतत विश्वविद्यालय के अभ्युत्थान हेतु इस विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित होकर के इसका मार्गदर्शन करते हैं, तथा माननीय कुलपति महोदया के निर्देशन में विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने नवीन ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय में अनेक ऐसे अनुपलब्ध कार्य भी उपलब्ध हो सके हैं, जिससे संस्कृत विश्वविद्यालय की कीर्ति न केवल पूरे देश में बल्कि संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भारत से बाहर भी व्यापक रूप से फैल रही है। यह हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि विश्वविद्यालय ने अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और राजस्थान सरकार में सम्माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर बीडी कल्ला जी हम लोगों के साथ वर्चुअली माध्यम से जुड़ चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय जी का इस कार्यक्रम में हम सभी लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह उनका अपना विश्वविद्यालय है जिस पर उनका विशेष स्नेह है और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति उनका सतत एक अनुराग है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2019 एवं 2020 की विद्यार्थियों स्नातकों को आज 16,000 से अधिक उपाधियां यहां प्रदान की जा रही है और इन उपाधियों के वितरण हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय ने हमें अपना समय प्रदान करके विश्वविद्यालय को उपकृत किया है। विश्वविद्यालय पर उनका यह आशीर्वाद सदा बना रहे, इस प्रार्थना के साथ ही हम इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। जब थोड़ी ही देर में महामहिम कुलाधिपति महोदय हम सभी लोगों से यहाँ पर वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह है, जो आज समायोजित है। इस समारोह में 16,851 डिग्रियों का वितरण तथा अनेक प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय में 2019 की 8,629 एवं 2020 शैक्षणिक सत्र की 8,222 डिग्रियों का वितरण महामहिम कुलाधिपति महोदय करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019 एवं शैक्षणिक सत्र 2020 में विशिष्ट योग्यताधारी विद्यार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदय स्वर्ण पदक भी प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय में संचालित अनुसंधान केंद्र में पुरातन शास्त्रों में गहन शोध करके विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त कर चुके लगभग 2 दर्जन विद्यार्थियों को भी, शोधार्थियों को भी महामहिम कुलाधिपति महोदय विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान करेंगे। थोड़ी ही देर में समारोह के कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय हम लोगों के साथ यहां पर जुड़ेंगे, तथा इस कार्यक्रम का प्रसारण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण होगा। अतः वहां से भी लिंक को खोल करके इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब राजस्थान सरकार में संस्कृत शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हम सभी के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब,
हम सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में महामहिम राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय हम लोगों के साथ इस समारोह में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ महामहिम कुलाधिपति महोदय के साथ का हमारे साथ जुड़ने के साथ होगा। यह विश्वविद्यालय आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह है मना रहा है। इससे पूर्व तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन 2019 में हुआ था तथा कोरोना की व्यापक महामारी के पश्चात भी विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालय ने अनेक ऐतिहासिक कार्य करते हुए हजारों छात्रों की परीक्षा एवं उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करके उन्हें उपाधियां प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शैक्षणिक सत्र 2019 एवं 2020 के उन्हीं स्नातकों को महामहिम कुलाधिपति महोदय उपाधियां प्रदान करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्य, विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय के सभी विभागों के आचार्य तथा राजस्थान शासन द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकगण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और यह कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रदेश में संस्कृत भाषा के उत्थान एवं उसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ कि विश्वविद्यालय में 2019 के लिए 8,629 एवं शैक्षणिक सत्र 2020 के लिए 8,222 डिग्रियों का वितरण इस दीक्षांत समारोह में होगा, जो कुल मिलाकर 16,851 डिग्रियों का वितरण इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज होना है। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा अन्य विद्यार्थियों को जिन्होंने शोध कार्य करके अपनी योग्यता को सिद्ध किया है उन्हें विद्यावारिधि की उपाधि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदान की जाएगी। मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूँ जो कार्यक्रम में विराजमान है वे कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देवे। कृपया सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देवें तथा कोरोना गाइडलाइन के तहत कृपया एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर विराजमान रहे। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आप सभी का राजभवन राजस्थान जयपुर में हार्दिक स्वागत है। दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय सम्मिलित हो रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य सम्मिलित होते ही सर्वप्रथम राष्ट्रलाभ होगा और तत्पश्चात मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही संपादित। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। कृपया राष्ट्रगान के सम्मानार्थ सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होवें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा आदिल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। तव शुभ नामे जावे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे विश्वविद्यालय का कुल गीत माननीय कुलपति महोदया व कुल सचिव महोदया से आग्रह है कि वे कार्यक्रम के निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थ दीप प्रज्वलन एवं भगवती शारदा का समर्चन अनुष्ठित करने का श्रम करें। दीप प्रज्वलन मंत्रों के पाठ हेतु विश्वविद्यालय के वेद विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर शंभु कुमार झा जी से आग्रह है। हरि ओम मां पावकानाः सरस्वती बाजेभिर्बाजिनीवती जगयं वस्तुधिया वसुः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत वैदिक मंगलाचार युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनां जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न दृश्यते। इस शास्त्राज्ञा से वैदिक मंगलाचरण के अनुष्ठान हेतु डॉक्टर शंभु कुमार झा जी सहायक आचार्य वेद विभाग से आग्रह है। अग्ने
माननीय कुलाधिपति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल्य कर्तव्यों का पाठ वाचन का आग्रह करती हूं और आप सब से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फिर संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मिथे हाल से सप्तमी 2006 में हुए तो द्वारा एक ही संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं जो माता पिता या समर्थक हो
अच्छे से 14 वर्ष के बीच की आयु की स्थिति अपने बच्चे बाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति चाहती हूँ कि क्या हम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करें? माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करती हूँ। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि वे महामहिम कुलाधिपति महोदय, मान्यवर संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यों सहित समागत एवं वर्चुअली जुड़े अतिथि जनों के स्वागत हेतु प्रीति प्रमुख वचन कहने का श्रम करें। माननीय कुलपति महोदया, श्रद्धेय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान सरकार में संस्कृत शिक्षा मंत्री मान्यवर डॉक्टर बी डी कल्ला जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्य, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्र तथा मेरे प्यारे स्नातकों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महाप्रवर्तक जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य के स्मारक प्राप्ते के मूर्तिमान स्वरूप में स्थापित इस संस्कृत विश्वविद्यालय में आप सभी को श्रद्धा पूर्वक प्रणति समर्पित करते हुए सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को नववर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं दीक्षा प्रदाता के रूप में विराजमान माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी को यहाँ पाकर हम सभी नितांत गौरवान्वित हैं। राष्ट्रीय राजनीति एवं समाज में किए आपके असाधारण योगदान से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कुलाधिपति के रूप में आपके नेतृत्व में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए अनथक प्रयास कर रहा है। आज दीक्षांत समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति से विश्वविद्यालय के साथ साथ संपूर्ण संस्कृत जगत अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा है। मैं सम्माननीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। समारोह में विराजमान मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा मंत्री सम्माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला जी स्वयं संस्कृत विद्वान एवं वैदिक परंपरा के महामनीषी हैं। संस्कृत में विरचित शास्त्रों के अध्ययन एवं अध्यापन से सतत संपृक्त आदरणीय कल्ला साहब संस्कृत शिक्षा के विकास में स्थायी कार्य योजना बना रहे हैं, जिनके भविष्यकालीन परिणाम निश्चित ही अत्यंत सुखद होंगे। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आदरणीय कल्ला साहब का संस्कृत विश्वविद्यालय पर विशेष अनुग्रह है। वे इस विश्वविद्यालय के संवर्धन हेतु अनवरत संलग्न हैं। विश्वविद्यालय परिवार इस समारोह में आपका भावपूर्ण स्वागत करता है। मैं दीक्षांत समारोह में पधारे महाजनों, विद्वानों एवं स्नातकों का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय की आज्ञा अनुसार मैं अहर्निश प्रयास कर रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा 6 फरवरी 2001 को आरंभ किए गए विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन अध्यापन तथा शोध के लिए उच्चतम व गुणवत्ता परक वातावरण सृजित किया जाए, जिससे ये विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के मूल उद्देश्यों को पूरा कर सके और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
कोरोना जैसी भीषण महामारी के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा अनेक ठोस कार्य निष्पादित किए गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से शोध एवं नई वैज्ञानिक रीति से संस्कृत भाषा में अंतर्निहित तथ्यों के अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय विगत अनेक वर्षों से अजस्त्र कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पावन स्मरण में उनके दार्शनिक विचारों के प्रसार हेतु विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। संस्कृत भाषा के प्रति महिलाओं में रुचि जागृत करने तथा उन्हें प्राप्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करने हेतु महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCSE लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय बना है। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं रचनात्मकता के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया, जो कई मायनों में अनुपम रहा है। कोरोना संक्रमण में जारी लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन सहित समस्त शैक्षणिक कार्य जैसे प्रोजेक्ट, रिसर्च जर्नल, पाठ्यक्रम और नेक आदि महत्वपूर्ण कार्यों का ऑनलाइन संपादन किया गया है। पांडुलिपि का डिजिटलाइजेशन कर उनके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागों में शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके व्यापक प्रसार हेतु विभागीय न्यूज़लेटर का प्रकाशन प्रथम बार आरंभ किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक एवं शोध परक संबंध बढ़ाने के लिए प्रदेश एवं देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से MOU किए गए हैं। उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय में पहली बार डीलिट उपाधि के लिए शोध कार्य आरंभ किया गया है। विश्वविद्यालय की मीरा छात्रावास में छात्राओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी वेडिंग मशीन लगाई गई है। साथ ही राजभवन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव जयसिंहपुरा में भी बालिकाओं एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में खुला जिम एवं उनके अध्ययन में सौकर्य के लिए स्मार्ट क्लास बनाई गई है। इस अवसर पर उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में पहली बार संविधान पार्क और वैदिक परंपरा नक्षत्र वाटिका तथा नवग्रह वाटिका की स्थापना की जा रही है। योग विज्ञान के व्यापक प्रसार हेतु विश्वविद्यालय में एक विशेष योग भवन का निर्माण भी हो गया है, जहां विद्यार्थियों को योग का प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण करवाया जाएगा। आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय कुलाधिपति महोदय एवं माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय के साथ ही आप सभी सुधी जनों व स्नातकों का अंतर्मन से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, युवा पीढ़ी के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। अतः मैं सभी युवाओं का स्वस्ति वाचन करती हूँ कि वे खूब पढ़ें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निर्धारित करें। दीक्षांत समारोह में दीक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि परिवार, समाज, राज्य, देश और समूचे विश्व के प्रति आप अपने उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी से निभाएं, सृजनात्मकता एवं नवीनता के साथ सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायण पूर्वक कार्य का संपादन ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है कि आप सनातन मूल्यों की संस्थापना के साथ ही संस्कृत भाषा में निहित मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापन का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। अंत में समस्त स्नातक विद्यार्थियों से मेरी यही आकांक्षा है कि वे इस प्रतिज्ञा के साथ विदा लें।
संस्कृत मेरी भाषा है, संस्कृत मेरी आशा है, संस्कृत का उत्थान करना यही मेरी अभिलाषा है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। धन्यवाद कुलपति महोदया के प्रति। कुल सचिव महोदया से आग्रह है कि वे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं को, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करने का श्रम करें। कुल सचिव महोदया आग्रह है कि वे विश्वविद्यालय निवेदन करती हूँ वेद वेदांग संकाय के विद्यावारिधि विद्या निधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करें। मैं प्रोफेसर भास्कर शर्मा, अधिष्ठाता वेद वेदांग संकाय, माननीय के सम्मुख उपाधि प्राप्त करने वाले उन कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूं जो वेद वेदांग संकाय प्रोफेसर भास्कर शर्मा, विद्यावारिधि वेदांग संकाय, विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य उपाधि से योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सभी ने प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथायोग्य इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वेद वेदांग संकाय ने यथायोग्य विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य और आचार्य की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आप अपनी वाणी जीवनचर्या का व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उप उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं डॉक्टर सीताराम शर्मा, अधिष्ठाता साहित्य एवं संस्कृति संकाय से निवेदन करती हूँ कि वह साहित्य एवं संस्कृति संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रोफेसर सीताराम शर्मा, अधिष्ठाता साहित्य एवं संस्कृति संकाय, माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से प्रतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो साहित्य एवं संस्कृति संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथा योग्य उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के साहित्य एवं संस्कृत संकाय में यथा योग्य विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य और आचार्य की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ अपनी वाणी मैं डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा, अधिष्ठाता श्रवण विद्या संकाय से निवेदन करती हूँ कि वह श्रवण विद्या संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा, अधिष्ठाता श्रवण विद्या संकाय, माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूँ जो
जो श्रमण विद्या संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सभी ने प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथा योग्य उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के श्रवण विद्या संकाय में यथायोग्य विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आप मेरी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा अधिष्ठाता दर्शन संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे दर्शन संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा अधिष्ठाता दर्शन संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूँ जो दर्शन संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथा योग्य उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय में यथा योग्य विद्यावारिधि विद्यानिधि संयुक्ताचार्य एवं आचार्य की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ या अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा मैं डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा अधिष्ठाता शिक्षा संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे शिक्षा संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि शिक्षाचार्य एवं शिक्षा शास्त्री के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करते हुए करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर माता प्रसाद शर्मा अधिष्ठाता शिक्षा संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूँ जो शिक्षा संकाय के विद्यावारिधि विद्यानिधि शिक्षा आचार्य एवं शिक्षा शास्त्री उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथा योग्य उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में यथा योग्य विद्यावारिधि विद्यानिधि शिक्षा आचार्य और शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं डॉक्टर सीताराम शर्मा अधिष्ठाता आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय से निवेदन करती हूँ कि वे शास्त्री एवं संयुक्ताचार्य शास्त्री के स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर सीताराम शर्मा अधिष्ठाता आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से
कतिपय को ऑनलाइन प्रस्तुत करता हूँ जो शास्त्री एवं संयुक्ताचार्य शास्त्री उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित स्नातकों को यथा योग्य उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय में यथा योग्य शास्त्रीय एवं संयुक्ताचार्य शास्त्री की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या का व्यवहार से खुदा करोगा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों के नामों की ऑनलाइन सूची को अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। विश्वविद्यालय के शोध उपाधि विद्यावारिधि पीएचडी प्राप्त छात्रों में सर्वप्रथम वेद वेदांग संकाय के शोधार्थियों के नाम लोकेश बोहरा, हनुमान सहाय चौधरी, मनोज शर्मा, पुनीत शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, श्री नारायण शर्मा, कविता शर्मा, रघुनंदन शर्मा, साहित्य संस्कृति संकाय से शोध उपाधि विद्यावारिधि प्राप्त स्नातक नानू राम जाट, संतोष कुमारी शर्मा, गणेश नारायण स्वामी, अवधेश कुमार, सुमन अग्रवाल, भंवरलाल शर्मा, दिव्या शर्मा। श्रवण विद्या संकाय तथा दर्शन संकाय के स्नातक श्री कृष्ण शर्मा, जुगल किशोर शर्मा। शिक्षा संकाय के स्नातक प्रमोद कुमार शर्मा, लता, रोहिताश्व, महेंद्र कुमार बुनकर, नरेश कुमार, सुनील कुमार शर्मा। कुल सचिव महोदया से आग्रह है कि वे विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं की सूची महामहिम कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनार्थ ऑनलाइन प्रस्तुत करने का श्रम करें। कुल सचिव महोदया, माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि विद्यावारिधि का अनुमोदन प्रदान करें। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यावारिधि उपाधि अर्जित करने वाले उपाधि धारकों के नामों की ऑनलाइन सूची का अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं के नामों की ऑनलाइन सूची को अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। शैक्षणिक सत्र 2019 के स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं की सूची गार्गी वैष्णव, ज्योत्सना वशिष्ठ, खुशबू शर्मा, निशा शर्मा, सुमन चौधरी, रवीना मीणा, रोहित शर्मा, पवन कुमार शर्मा, अस्मत परवीन शिरवानी, मनीष कुमार शर्मा,
डॉली तिवारी, अंकिता शर्मा, गार्गी वैष्णव, ज्योत्सना वशिष्ठ, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 2020 शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थी अनूप कुमार, छोटेलाल सैनी, देवांशु शर्मा, प्रमोद जैन, मोनिका, प्रदीप शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, हंसराज शर्मा, पूनम सोनी, रविकांत माली, अनूप कुमार, हुकुमचंद शर्मा, सपना जांगिड़, संघमित्रा व्यास, संतोष शर्मा, कुल सचिव महोदया अनूप कुमार। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण का अनुमोदन करने हेतु आग्रह करता हूँ। मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले अध्येताओं के नामों की ऑनलाइन सूची को अनुमोदित करता हूँ। कुल सचिव महोदया से आग्रह है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020 से प्रारंभ दो विशेष छात्रवृत्तियों को अर्जित करने वाली छात्राओं के नाम महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करने का श्रम करें। भारत सरकार में मंत्री रहे प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी की स्मृति में महिला शिक्षा के प्रोत्साहनार्थ विशिष्ट छात्रवृत्ति आरम्भ की गई है, जिससे संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रति बालिकाओं में रुचि बढ़ाई जा सके। शैक्षणिक सत्र 2020 के में ही सागरमा जूनीवाल जी की स्मृति में भी विशेष छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। कुल सचिव महोदया, मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से वर्ष 2019-20 में श्री बीपी मौर्य एवं श्री सागरमल जूनीवाल की स्मृति में विशेष स्कॉलरशिप अर्जित करने वाले अध्येताओं के नामों की ऑनलाइन सूची को अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत करती हूँ। श्री बीपी मौर्य स्मृति पुरस्कार करने वाले अध्येताओं के नामों की श्री सागरमल जूनीवाल पुरस्कार परीक्षा वर्ष 2020 संघमित्रा व्यास। श्री सागरमल जूनीवाल पुरस्कार परीक्षा वर्ष 2020 संघमित्रा व्यास। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन हेतु आग्रह है। मैंने अनुमोदन कर दिया। माननीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर के निदेशक डॉक्टर राजधर मिश्र जी से आग्रह है कि वे दीक्षा ग्रहण कर रहे स्नातकों को वैदिक अनुशासन पाठ का श्रवण करवाने का श्रम करें। विश्वविद्यालय में दीक्षा प्राप्त किए हुए विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर के निदेशक डॉक्टर राजधर वैदिक अनुशासन का पाठ दीक्षा कराया जा रहा है स्नातकों को। स्नातकाः श्रवण करवाने सत्यम वद बाढ़म, धर्मम चर बाढ़म, स्वाध्यायान् मा प्रमदः बाढ़म, सत्यान् न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, धर्मान् न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, कुशलान् न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, भूत्यै न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, देव पितृ कार्याभ्याम् न प्रमदितव्यम् बाढ़म्, मातृदेवो भव बाढ़म्, पितृदेवो भव बाढ़म्,
आचार्य देवो भव बाढ़ अतिथि देवो भव बाढ़ यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि बाढ़ यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि बाढ़ एष आदेशः बाढ़ एष उपदेशः बाढ़ एष वेदोपनिषत् बाढ़ एतत् अनुशासनं बाढ़ एवं उपासितव्यं बाढ़ एवं चैतत् उपास्यतम् उपास्यम् बाढ़ उत्तरोत्तरम् अभिवर्धन्ताम् शिवा संतु वह पंथानः ओम शांति। महामहिम कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका वयम, न्यूज़लेटर एवं प्रवृत्ति इन तीन प्रकाशनों के विमोचन हेतु आग्रह है। माननीय कुलपति महोदय को इनकी प्रतियां प्रधान संपादक प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के जनरल का महामहिम कुलाधिपति महोदय विमोचन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय इस विश्वविद्यालय प्रकाशन का वयम शोध पत्रिका तथा प्रवृत्ति तथा न्यूज़लेटर का लोकार्पण कर रहे हैं। महामहिम कुलाधिपति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदया एवं कुल सचिव महोदया, आपके प्रति अनेक आभार एवं धन्यवाद। न्यूज़लेटर का लोकार्पण कर रहे हैं महामहिम कुलाधिपति महोदय। संस्कृत भाषा के अभ्युत्थान हेतु सतत समर्पित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में संस्कृत शिक्षा मंत्री जो स्वयं वैदिक परंपरा के संवाहक हैं, माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला जी से अनुरोध है कि वे हमें अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय, आवाज आ रही है जी? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पधारे हुए कुलाधिपति परम श्रद्धेय परम सम्माननीय अन्नाथ जी मिश्र साहब, विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, गुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार दीक्षांत समारोह में पधारे समारोह में उपस्थित विद्वजन, उपाधियों व स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आज राजस्थान राज्य के संस्कृत विद्या के सर्वोत्तम केंद्र के रूप में स्थित विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थिति से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय की कुलपति समस्त आचार्य व कर्मचारीगण सहित छात्रों को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं बधाइयां प्रदान करता हूं और संस्कृत शिक्षा मंत्री के नाते हमारे परम सम्माननीय परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र साहब का विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय द्वारा इस गरिमापूर्ण समारोह में छात्रों को उनके परिश्रम से अर्जित उपाधियों व सर्वप्रथम रहने पर स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। यह पल विश्वविद्यालय व आप सभी छात्रों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। संस्कृत वाङ्मय में निहित ज्ञान विज्ञान के अध्ययन अनुसंधान व अन्य आनुषंगिक विषयों की समन्वित उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। परम पूज्य संत शिरोमणि पद्मश्री नारायण दास जी महाराज की अनुकंपा व सानिध्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जी द्वारा इस विश्वविद्यालय के भवन संकुल की आधारशिला रखी गई थी। महाराज जी के अथक प्रयासों से ही निर्माण के प्रथम चरण में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय भवन, विशिष्ट आवास, शिक्षक आवास सहित बैंक, कैंटीन,
संत शिरोमणि महाराज श्री को मैं और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। राज्य सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में मीटिंग हॉल योग साधना केंद्र का निर्माण हुआ। राजस्थान के संदर्भ में एकमात्र यही विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश है। इसमें संस्कृत की प्राचीन धारा, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, जैन दर्शन के साथ साथ गांधी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन आदि आधुनिक दृष्टिपरक विषयों के अध्ययन केंद्र संस्थापित है। वैश्विक महामारी के इस असाधारण दौर में भी उत्पन्न चुनौतियों से निपटते हुए इस विश्वविद्यालय ने कुलपति महोदय के नेतृत्व में प्रख्यात विश्वविद्यालय बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 20 वर्ष ही हुए हैं, तथा भारतवर्ष के अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों व सामान्य शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में यह अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यह विश्वविद्यालय संस्कृत वाङ्मयी के साथ साथ आज की अपेक्षाओं के अनुरूप संस्कृत छात्रों में विशिष्ट कौशल विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। संस्कृत साहित्य ज्ञान का आगाज समुद्र है और जैसा कहा गया है कि संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले व्यक्ति के समान होता है, लेकिन हमारा प्रदेश संगीत में, साहित्य में, कला में, संस्कृति में और संस्कृत भाषा में हमारे यहाँ पूरी रुचि रखता है। मैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ संस्कृत शिक्षा का अलग से शिक्षा निदेशालय है, संस्कृत अकादमी है और संस्कृत भाषा के हर साल जो सामान्य शिक्षा के स्कूल खोले जाते हैं उनमें हम कुछ स्कूल संस्कृत भाषा के खोलते हैं और इसमें सन्निहित ज्ञानमणियों का अन्वेषण कर समाज को नई दिशा दी जाती है। इसके लिए इस भाषा साहित्य पर और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। गौरव की बात है कि आज संस्कृत साहित्य में न सिर्फ भारतवर्ष किंतु विश्व के सभी प्रखंडों में संवर्धन साहित्य के नित्य अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। भारत के युग पुरुष संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी भी इस संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धावान थे तथा इस संस्कृत भाषा को संपूर्ण भारत को भाषाई आधार पर एकत्र करने वाली भाषा मानते थे। मुझे याद है कि जब मैं 81 में पहली बार संस्कृत भाषा का मुख्यमंत्री बना उस समय इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने वेद विद्यालय प्रारंभ किए और मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये वेद विद्यालय सबसे पहले जयपुर, नाथद्वारा, बीकानेर, सलीमाबाद और कोटा में खोले गए। इन वेद विद्यालयों के माध्यम से हमने पुराने जो विद्वान थे उनके माध्यम से वेद की ऋचाओं को संकलित किया और नई पीढ़ी को वेद की ऋचाओं का एक तरह से उनका ज्ञान वर्धन कराया, नई पीढ़ी को वेद शिक्षा से लाभान्वित किया। मैं इस विश्वविद्यालय परिवार को विशेषकर कुलपति महोदय को भी अपनी बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय की भावनाओं और निर्देश के अनुरूप ही तथा UGC के अनुसार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS आधारित पाठ्यक्रम को राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में अग्रणी लेते हुए पिछले सत्र से ही संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालयों के साथ साथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित शैक्षणिक केंद्र में भी लागू कर दिया है। इससे छात्रों को विशेष विषय चयन में अधिक सुविधा व विकल्प मिल सकेंगे जिससे वे रुचि के अनुसार विषयों का अध्ययन कर बहुमुखी विकास प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान सरकार संस्कृत भाषा के विकास में योगदान हेतु कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संस्कृत विषय के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में हम जब कभी भी बजट मांगते हैं तो वे सर्व आगे आकर संस्कृत भाषा के उन्नयन, संस्कृत भाषा के विकास और अकादमी के विकास के लिए बराबर सहयोग देते रहते हैं। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी भी जो है
उम्मीदवार हैं और अभी हमने अखिल भारतीय एक नाट्यशाला आयोजन किया था, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय राज्यपाल महोदय जी ने दोनों ने उसमें शिरकत की और दोनों महानुभावों ने संस्कृत भाषा के विद्वानों के साथ अपना समय दिया और इस भाषा को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान आप देते रहे हैं। हम राजस्थान सरकार की ओर से संस्कृत भाषा व साहित्य के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। वैश्विक महामारी के प्रकोप के समय में आप सभी छात्रों से विश्वविद्यालय परिवार से भी आग्रह करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे। समय समय पर जारी सरकारी दिशा निर्देशानुसार अध्ययन और अध्यापन को प्रोत्साहित करें तथा COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें व करवाएं और इसके लिए जरूरी है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क बराबर लगाएं, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो वहाँ बहुत आवश्यकता पड़ने पर जाएं और जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। शिक्षा व स्वास्थ्य हमारे मौलिक अधिकार तो है ही, मौलिक कर्तव्य भी है। अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी ने जो संविधान की मूल भावना को दृढ़ किया उसको हमको अंगीकार करना है जो आज चुनौती के रूप में हमारे सामने है तथा हमें मिलकर इसका सफलतापूर्वक मुकाबला कर विजयी होना है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले, दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भविष्य में समाज के लिए आदर्श व कनिष्ठों के लिए प्रेरणा बनेंगे जिससे यह विश्वविद्यालय गौरव व राज्य गर्व कर सकेगा। इसी शुभकामना के साथ विश्वविद्यालय कुलपति कुलाधिपति शिक्षकों और कर्मचारियों को मेरी ओर से बधाई। माननीय कुलाधिपति महोदय जी को पुनः पुनः मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए जय तु संस्कृतम जय तु भारत। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से अध्यक्षीय एवं दीक्षांत भाषण का निवेदन करती हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित संस्कृत शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला जी, कुलपति प्रोफेसर रोला मौर्य जी, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्यगण, अधिष्ठातागण, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाई और बहनों तथा प्यारे विद्यार्थियों, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के समारोह में सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मलीन साक्षा के निवासी श्री नारायण दास जी महाराज को नमन करता हूँ। यह अत्यंत सुखद अवसर है कि ब्रह्मलीन श्री नारायण दास जी महाराज की पहल पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर समस्त उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वे यहाँ से सीखे हुए ज्ञान का राष्ट्र और समाज के उत्थान में सदा उपयोग करेंगे। दीक्षांत का ही होता है इसे विश्वविद्यालय या गुरुकुल में अध्ययन क्रम की समाप्ति, पर दीक्षांत शिक्षा की समाप्ति नहीं है। यह विद्यार्थी के लिए नए जीवन का आरंभ है। यह विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृत में संस्कार शब्द का अर्थ ही है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में
विद्यार्थी जब गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते बल्कि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते और इसी से मन और वाणी में उन्हें सुधार होता चैत्री उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया शिक्षा नया कुछ गलती नहीं है बल्कि जीव में अंतर्निहित ज्ञान बुद्धि को अनावृत कर उसे उजागर कर देती है यही शिक्षा का निर्धार इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही वास्तविक शिक्षा है वही शिक्षा सार्थक है जिसमें विद्यार्थियों को कुआग्रहों से मुक्त कर मौलिक सोच के लिए प्रेरित किया जाता है शिक्षा वही व्यवहारिक भी है जिससे जीवन के उदात्त जीवन मूल्यों की खोज के लिए विद्यार्थी अग्रसर होगा भारतीय अवधारणा में शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीव को मार्जन तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि ज्ञान अर्जन द्वारा व्यक्ति को दिव्य गुणों से युक्त कर इसके जरिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पुरुषार्थ के योग्य बनाया जाता है संस्कृत तो भाषा नहीं भारतीय संस्कृति है हमारा जो प्राचीन ज्ञान है उसका मूल आधार यह संस्कृत भाषा ही है इसीलिए मैं इसे भाषा नहीं संस्कृत से भेद करता हूँ हमारे जो चारों वेद वे इसी भाषा में लिखे वेदों को मैं ईश्वर से लिखित संविधान और ज्ञान के महासागर कहता प्रसिद्ध महाईश्वर सूत्र के प्रणेता रहे गुरुओं के गुरु महादेव से लेकर भृगु कश्यप अत्रि मरीच अंजिरा उलस गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त वामनायन आपके संदर्भ वैदिक ग्रंथों में ही समाहित है महाभारत काल में महर्षि संदीप्ति का आश्रम जैन में महर्षि कर्ण का आश्रम मालवी नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास का आश्रय हिमालय पर्वत पर महर्षि शौनक का आश्रम नैमिषारण्य में रहा यह सभी आश्रम अपने समय के उत्कृष्ट विद्या केंद्र थे और यहाँ के सभी ऋषि अपने आश्रमों के कुलपति कहे जाते स्मृतियों के अनुसार कुलपति का यह उद्बोधन उन आचार्यों के लिए प्रयुक्त होता था जो कम से कम 10,000 विद्यार्थियों का अध्यापन पोषण आदि की व्यवस्था करते कैलांतर में गुरुकुल अथवा आश्रम अपने बृहद स्वरूपों के कारण विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया विश्वविद्यालय जिन जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर स्थापित है वह स्वयं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान गुरु थे भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए उन्होंने देश भर की यात्राएं विभिन्न संप्रदायों में घोर वैमनस्यता और कट्टरता को दूर कर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का महनीय कार्य उन्होंने किया कहा भी जाता है द्रविड़ भक्त उपजो गायो रामान ऐसे महान संत के नाम स्थापित विश्वविद्यालय में पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है मैं चाहता हूँ संस्कृत एवं इस भाषा के प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन से जुड़े मौलिक शोध और अनुसंधान का यह विश्वविद्यालय महान केंद्र बने इस विचार को भी यहाँ आगे बढ़ाया जाए कि कैसे संस्कृत एवं संस्कृत के प्राचीन शास्त्रों को आधुनिकता से जोड़कर
समाज के हर वर्ग जन सामान्य तक उनकी पहुंच हो। मैं चाहता हूँ संस्कृत के जो प्राचीन जीर्णों पर ग्रंथ है उनका हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य भी यहाँ ठीक से हो या प्रयास भी किया जाए कि कैसे संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन के साथ ज्योतिष वास्तु कर्मकांड योग से जुड़े ज्ञान को आम जन तक सहज उपलब्ध कराए। मुझे ये जानकर सुखद लगा है कि आपके विश्वविद्यालय में संस्कृत से जुड़े ज्ञान के बहुत से पुस्तक व्यवहारिक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। संस्कृत हमारे प्राचीन ज्ञान का खजाना है। मैं चाहता हूँ अपने विषय को भी पाठ्यक्रम विषयों में समृद्ध करके नए जमाने के अनुरूप संस्कृत को सरल एवं सभी के लिए बोधगम बनाया जाए। कोविड से समस्त विश्व प्रभावित हुआ है, लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इस विकट काल में ज्ञान विज्ञान पुरातन आचार व्यवहार को दुनिया के देशों ने अपनाया। अभिवादन की शैली, हाथ पैर धोने का व्यवहार, आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि, आहार शुद्धि आदि का आदर सब जगह देखा गया। मुझे खुशी है संस्कृत विश्वविद्यालय के विभागों में समाजोपयोगी विषय पर अनुसंधान और लेखन कार्य किए जा रहे हैं। चाहता हूँ इनमें गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि हो। मुझे जानकर सुखद लगा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक नवाचार अपनाते हुए कार्य कर रहा है। महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र, डॉक्टर अम्बेडकर अध्ययन केंद्र जो महिला अध्ययन केंद्र के माध्यम से अनेक व्याख्यान मालाएं आयोजित संस्कृत विश्वविद्यालय नए शिक्षा मानदंडों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को CBCS ट्रायल्स बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम के अनुरूप अद्यतन किया गया है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में भव्य नवग्रह वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत 27 नक्षत्रों, 9 ग्रहों तथा 12 राशियों से संबद्ध पेड़ पौधे ज्योतिष व आयुर्वेद के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति से लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ यह ऐसी पहल है जिससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जुड़े हमारे महान ज्ञान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। पिछले कुछ समय के दौरान मानवता पर बहुत बड़े संकट आए, अभी भी पूरी मानव जाति कोविड के संकट से जूझ रही है। प्रतिदिन नए रूप में महामारियां जीवन में प्रवेश कर रही है। इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या बनकर पूरे विश्व के लिए चुनौती रूप में सामने आई। प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण संबंधित समस्याओं से बचने के लिए वैदिक उपदेशों पर हमारी संस्कृति में हमें जाने की जरूरत है। वैदिक ज्ञान में जाएंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी केवल एक भूखंड मात्र नहीं अपितु निर्मात्री है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की संपदा के साथ पर्यावरण संबंधित चुनौतियों का भी प्रभावी समाधान मिलता है। हमारे यहाँ काम किया पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसी संतति माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी दिया। वेद परायण पर्यावरण संरक्षण के विरल ग्रंथ है। इनमें आता है कि पृथ्वी की हिंसा मत करो,
अंतरिक्ष की हिंसा मत करो। परिस्थिति की तंत्र से जुड़े सभी धर्मों के संरक्षण की बात प्राचीन हमारे वेद पुराणों में है। नदी पर्वत वन जीव समुदाय सबकी रक्षा के साथ मानव मात्र के कल्याण की बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। श्रुति कहती है राजम व आसन राज की उपासना करो। अपर्वित गृह क्षेत्र पशु क्षेत्र स्वर्ण आदि से राज समृद्ध होता है। चेतन अचेतन स्थावर जंगम सब राज राज की उपासना का अर्थ ही है हम देश और समाज के हित के लिए सदा कार्य करें। आज के अर्थों में देखें तो राष्ट्र की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि का अर्थ है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं करें। सदा इस बात को याद रखें कि राष्ट्र की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। भारतीय संस्कृति उदात्त जीवन मूल्यों को अपनाने पर ही सदा जोर देती है। हमारे यहाँ कहा गया सर्वे मंत्र सुजरा सर्वे संत निरा अर्थात सभी सुखी हो सभी निरोग हो जीवन जीने का यह अमर संदेश संस्कृत की हमारी बड़ी छाती है। कैतरी उपनिषद में आचार शिष्य संबंधों का सूक्ष्म चित्रण किया गया। इसमें आचार को पूर्व रूप और शिष्य को उसका अनुसरता कहा गया है। विद्या वह संधि है जो दोनों का संबंध जोड़ती है और प्रवचन का संयोजक है। आइए गुरु शिष्य परंपरा को उसी भांति स्वरूप जीवंत करते हम संस्कृत शिक्षा में नीत हमारे प्राचीन ज्ञान को अधिकाधिक बोध गम्य करने का प्रयास करें। मैं चाहता हूं संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले आचार्य अपनी प्रज्ञा का उपयोग छात्रों के अंदर बुद्धिमत्ता भावनात्मकता तथा सहनशीलता के उदात्त गुणों को और अध्यात्म की हमारी पवित्र दृष्टि के विकास में करें। विषयगत दक्षता के साथ हमारे विश्वविद्यालय मनुर भाव अर्थात मनुष्य बने कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से विद्यार्थियों को जोड़े। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधुनिक बोध से जुड़े शोध और अनुसंधान की परंपरा विकसित हो। शोध कार्य ऐसे हो जिनमें मौलिक विचारों की स्थापना हो। मैं चाहता हूं जगद्गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय प्राचीन हमारे वैदिक ग्रंथों को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए संस्कृत से भारतीय संस्कृति के प्रसार का देश का उत्कृष्ट केंद्र बने। आज जरूरत इस बात की हम संस्कृत की हमारी धरोहर को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाए। मुझे उम्मीद है इस दिशा में विश्वविद्यालय में भविष्य में तेजी से कार्य होगा। दीक्षांत समारोह में पुनः मैं हम सभी उपाध्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और आप सभी को मेरी पूरी बधाई और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कुल सचिव महोदय रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हम सबके बीच उपस्थित भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं संस्कृत ज्ञान विज्ञान के संवर्धक उच्च शिक्षा से सतत गुणात्मक अभिवृद्धि एवं उसकी क्रियान्विति के लिए मार्गदर्शक
जिनकी प्रेरणा से संस्कृत विश्वविद्यालय निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी महामहिम राज्यपाल महोदय, आपकी गरिमा में उपस्थिति से ये दीक्षांत समारोह का आयोजन सफल हो सका है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक आभार एवं धन्यवाद अर्पित करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सभी को हमेशा प्राप्त होता रहेगा। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित संस्कृत शिक्षा को संरक्षण देने एवं उन्हें विकसित करने में सदा प्रयत्नशील संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार माननीय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, आपको मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को अपने उद्बोधन एवं मार्गदर्शन से अनुग्रहित किया है और हमें संबल प्रदान किया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय परिवार की मुखिया माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर अनुला मौर्य जी, जिनके संरक्षण में ये दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और संस्कृत विश्वविद्यालय निरंतर प्रगतिशील है, इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको भी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी माननीय कार्य परिषद सदस्य, विद्या परिषद सदस्य, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम सफल हो सका है, मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के शासकीय निकाय सदस्यों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। समारोह में पधारे हुए सभी पत्रकार भाइयों, मीडिया बंधुओं, आपके द्वारा ही किसी आयोजन को आम जनों तक पहुंचाया जाना संभव होता है। आप सभी ने आकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया है, इसकी शोभा बढ़ाई है। मैं आपको भी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। अंत में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय सभी आचार्यगण, अधिकारी, FC साहब, सहायक कुल सचिव एवं सभी कर्मचारीगण, आप सभी के अथक प्रयास एवं सहयोग से ये कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे। आज मैं संस्कृत विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वाले एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को कुल सचिव के रूप में विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ और उनके सुंदर भविष्य की कामना करती हूँ। पुनः एक बार सभी का आभार धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु निवेदन करती हूँ। मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति उपरांत मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। राष्ट्रगान के सम्मानार्थ कृपया सभागार में समुपस्थित सभी सदस्य राष्ट्रगान के सम्मानार्थ खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अनेक आभार।
तथा प्रोसेशन की वापसी तक कृपया सभी महजन यथास्थान खड़े रहें। माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय एवं प्रोसेशन में सम्मिलित कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के अन्य सदस्यों के सभागार से बाहर पधारने तक अन्य सदस्य कृपया यथास्थान खड़े रहें। धन्यवाद।